नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत जिला भाजपा केंद्रीय कार्यालय बारडोली में युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कॉनराड की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ युवा संयोजक सम्मेलन की बैठक में प्रशांत कॉनराड के युवा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। सूरत जिले की 5 विधानसभा सीटों समेत 23 लोकसभा सीटों और तापी जिले की 2 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सूरत जिला भाजपा अध्यक्ष और 23 लोकसभा के प्रभारी सूरत और तापी जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष महामंत्री की उपस्थिति में युवा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रशांत कॉनराड कांग्रेस पर हमला बोला। सम्मेलन में युवा कार्यकर्ताओं को प्रति बूथ 370 वोट की बढ़त दिलाने पर भी चर्चा की गई। युवा कार्यकर्ताओं के लिए सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों ने उठाया। इस संबंध में सम्मेलन में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि मतदाताओं को मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाकर अधिक से अधिक भाजपा समर्थक और बेहतर मतदान करना चाहिए। गुजरात बारडोली से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। आज बारडोली लोकसभा भारतीय जनता युवा मोर्चानी बृहद बैठक आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ बृहद बैठकनी अंदर जिल्लाना अध्यक्षथी लईने मंडलनी टीम शक्ति केन्द्रना युवा संयोजक आ बैठकमां उपस्थित हता। आवनारा समयमां युवा मोर्चाना कार्यकर्ताओ बूथनी अंदर काम करीने મહત્તમ લાભ જેમણે સરકારનો લીધો છે, સરકારના લાભાર્થીઓ છે, અનેકો યોજનાના જે લાભાર્થીઓ છે એનો સંપર્ક કરીને યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ નવા યુવાનોને મળીને બૂથની અંદર દરેક પેજ ઉપર 35 વર્ષથી નીચેના જે યુવાનો છે એમને મળીને મતદાનના દિવસે વધારેમાં વધારે મતદાન ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફી કરે એ માટે આજે માય બૂથ 30થની વાત થઈ છે। જે રીતે દેશના લોકો અને ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર પ્રદેશના અધ્યક્ષ આદરણીય સી આર પાટીલ સાહેબે દરેક 26 લોકસભા સીટ 5 લાખથી વધારે માર્જિનથી જીતવાનો લક્ષ્ય આપ્યો છે। દેશના લોકોએ જ્યારે મન બનાવી લીધું છે કે મોદીજીને મત આપવાનો છે ત્યારે આમનો વધારેમાં વધારે સંપર્ક કરીને મતદાનના દિવસે કમળ તરફી મતદાન કરે એ માટે આજના આ યુવા મોરચાની બેઠકની અંદર માય બૂથ 30 અંતર્ગત આ લોકસભાના ઉમેદવાર શ્રી પ્રભુભાઈના વધારેમાં વધારે મતથી વિજય થાય એના માટે થઈને નાની નાની બૂથની બેઠકો કરે અને નવા યુવાનોને આની અંદર જોડે એના માટેની આ બેઠક હતી। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।